लास्ट जो हमने कर रखा उसमें रिंग का मोल्ड फिनिशिंग मैंने करा रखा था आपको, पहले तो दो पॉइंट मास सिस्टम के लिए कराया था और दो पॉइंट मास सिस्टम के बाद फिर रिंग ही किया था ना हमने, है ना? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, अब ये थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इसकी मास एम और रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है? ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये डिस्क है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मतलब सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है, सॉलिड। और ये इसका एक्सेस जो है इसके सेंटर ऑफ मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर, ये समझ आ रहा है एक्सेस? हाँ सर, समझ आ रही है हाँ आपको? सर, वैसे ही ये COM दिखा रहे हैं। इसमें दो एक्सेस का जो आपको याद रखना होगा, ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, या आर स्क्वायर बाई टू आती है, ठीक है? रिंग का हाफ है। और ऑब्वियस है, अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग लोगे तो हाफ हो जाएगा ना। ओके, कौन सा एक्सिस थ्योरम से सही कर रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना? हाँ सर, हाँ सर, राइट, क्योंकि पैरेलल प्लेन, उसके प्लेन के पैरेलल आप दो एक्सिस चूज करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जेड एक्सिस हो जाएगा और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आएगा। सिमेट्री देख के कह सकते हैं कि सारे डायमेट्रिक एक्सिस एक जैसे ही है, तो ये आपका एम आर स्क्वायर बाई फोर रिजल्ट आप कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन छोटा वो पूछ सकते हैं डेरिवेशन। तो इस केस में अगर मान लो कि यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से आप क्या करो, आर डिस्टेंस पे चले जाओ और यहाँ पे एक रिंग बना लो, इस रिंग की थिकनेस को मान लेते हैं डी आर है। तो इसके लिए अगर मास डीएम लिखा जाए तो कितने लिखेंगे? डीएम का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? मास पर यूनिट एरिया एंड इंटीरियर इनटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, टू बाई आर इनटू डी आर। ये पर सही है, सबको समझ आ रही है? ठीक हाँ सर, है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया टू एम डिवाइडेड आर स्क्वायर इनटू आर डी आर, ये डीएम हो गई है। और ये तो रिंग है, तो इसकी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास डी आई लिख रहे हैं इसको, एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द रिंग है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है, तो इसके लिए आएगा तो डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, चेक करो हाँ सर, लिखेंगे। और ये डी एम की वैल्यू कितनी है, टू एम बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक आर पहले से ही हो गया, आर क्यूब डी आर। एंड अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टू एम बाई आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू कैपिटल। तो आर डिवाइड फोर बाई फोर दिख ही रहा है आपको, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ठीक है? ठीक हाँ सर, है, यस सर, यही चीज अगर इमेजिन करो कि ये अगर एनुलर डिस्क होता, एनुलर डिस्क होने का मतलब क्या है कि बीच में एक पोर्शन कटा हुआ होगा, तो उसको एनुलर डिस्क कहते हैं। इसको थर्ड रिजल्ट बना लेते हैं, नहीं फोर्थ रिजल्ट हो जाएगा ये हमारा, ये फोर्थ रिजल्ट है, एम ओ आई ऑफ थिन एनुलर डिस्क यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एनुलर बोलते हैं, एनुलर डिस्क। ये कुछ ऐसा है, आई होप आपको एनुलर डिस्क समझ आया। क्या है अच्छा, सीडी टाइप, हाँ, बस सीडी टाइप है, हाँ वो समझ सकते हैं, बस बेस्ट है, सीडी टाइप है। और ये इसका एक्सिस है, अगेन सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर है, प्लेन से परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रही है, और इसकी इनर रेडियस मानते हैं आर वन एंड आउटर रेडियस जो है ये आपकी आर टू है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालोगे आप सेंटर ऑफ मास के एंड परपेंडिकुलर
जाता है, m इनटू r का स्क्वायर r स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको डिराइव कर सकते हैं, सिंपल सा है, डेरिवेशन चेक करो। डेरिवेशन के लिए हम एलिमेंट्स वैसे ही चूज करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? हां सर, हां सर। बस इंटीग्रेशन में जो लिमिट हमने 0 से लेके r तक डाला है, उसमें लिमिट हमें r1 से r2 डालना है, यही है ना? हां सर, लिमिट चेंज। हां सर, एक और चेंज होगा, मास dm जो हमने निकाला वो भी चेंज होगा, क्योंकि dm निकालने के लिए हमने मास को इंटीग्रल में r से डिवाइड किया था, है ना? यस सर। dm निकालते हैं हमने मास को इंटीग्रल किया तो पाई r से डिवाइड किया था, क्योंकि इसका मास को इंटीग्रल अगर करोगे तो कितना लिखोगे आप? डिवाइडेड बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर लिखेंगे, है ना? यस सर, यस सर। समझ आया? देखो डेरिवेशन में एकदम बिल्कुल सिमिलर सा डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे डेरिवेट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना। दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square। dm की वैल्यू पहले लिखो, dm कितना है आपके लिए? दिस इज m डिवाइडेड बाय पाई r माइनस ऑफ r1 का स्क्वायर, दिस इज पाई r dr एंड दैट इज डिवाइडेड r स्क्वायर। देखो आपको समझ आएगा, समझ आया? हाँ सर, ठीक है। अरे सेम ही तो पिछला वाला ही जो किया है सर, इतने में क्यों? पिछला वाला ही तो यही है। यस सर, ठीक। और इसमें बस आपको लिमिट डालनी r1 से r2। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, बस ये पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा देते हैं। ये आ रहा है 2m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आएगा r2 का पावर 4 माइनस ऑफ r1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 4। देखो आ रहा है क्या, m टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डिवाइडेड, आ रहा है क्या? हां सर, हां सर, इसका सब रिजल्ट मेरे गलती से याद रख कर दोस्तों। ओके, तो चौथा हो गया, नेक्स्ट आप पांचवे पे चलते हैं। सर आपका आवाज से थोड़ा थोड़ा कट रहा है। हां सर, बहुत कट रही है। हां सर, बहुत कट रही है, बहुत कट रही है। ओ हाँ सर, देखो ना, आज सुबह में सेट तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ब्रॉडबैंड भी बहुत ज्यादा, मतलब ब्रॉडबैंड भी अब जो हमारे एरिया में सबसे हाईएस्ट अवेलेबल स्पीड ले लिया है वो, मतलब ये झूठ मूठ का पैसा ज्यादा लेते हैं बट स्पीड एग्जैक्टली वही रखते हैं जो मतलब तुम्हें लो प्राइस में मिलता है। हाई प्राइस लो प्राइस लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये ब्रॉडबैंड भी एकदम अब ठीक है, बस ये ठीक रहे तो फिर ठीक है, क्योंकि ये रहता नहीं है, इसलिए मैं नेटवर्क मोबाइल का यूज कर रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसके मतलब ब्रॉडबैंड वाले डेटा से तो लॉगिन ही नहीं हो, मतलब लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था इसमें Zoom में। चलो नहीं, अभी ठीक है ना आवाज? हां सर, ठीक है, ठीक है। अभी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस, सिर्फ बेस की अबाउट जरूरत है, बाकी किसी आर्बिट्री एक्सिस की अबाउट जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और ये कोई भी शेप का ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा कुछ ना इक्विलैटरल होना है या आइसोसेलेस होना है। तो देखो मैं आर्बिट्री शेप का ड्रॉ भी कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना आर्बिट्री शेप का ड्रॉ किया मैंने? ठीक है, तो आप भी ड्रॉ करोगे तो आर्बिट्री शेप का ही ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस होना है, इक्विलैटरल होना है। सो इसमें हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली एक्सिस है, ठीक है, मतलब ऐसे घुमा जाए, आपको समझ आ रही है ना एक्सिस कैसी है? हाँ सर, ठीक है। और इस ट्रायंगल के लिए आपको हाइट ऑफ ट्रायंगल दिया होना चाहिए, दिस विल बी हाइट एंड इसका मास एम होना चाहिए, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, दिस कम्स आउट टू बी एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आती है, एम एच स्क्वायर बाई 6। इसको डिराइव करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से एक बार। भूल जाओगे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ बोर्ड वगैरह बोर्ड एग्जाम्स वगैरह जब आए तब एक बार कभी रिवाइज कर लेना है, या स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर एक बार रिवाइज करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से सपोजली वाई डिस्टेंस पे जा रहा हूँ,
ऊपर से, और यहाँ पे एक डीवाई थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप बना दिया हमने, ठीक है। तो देखो, तो ये जो मास होगा ये एक पतला सा रॉड होगा, है ना, होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। इस रॉड का लेंथ को हम x मान लेते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस लेंथ इज x। आप देखो तो ये रॉड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, डीएम मास का जो रॉड बनाया हमने उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट एक्सिस से क्या एक ही डिस्टेंस पे हैं? यस सर। हां है ना। और आपको लास्ट में एक कांसेप्ट सिखाया था, याद है कि सारा मास अगर सेम डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली टोटल मास इनटू आर स्क्वायर हो जाता है, याद है आपको? यस सर। हां सर। हां सर। राइट, उस कांसेप्ट को अब यूज करो। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, अगर इस छोटे से एलिमेंटल मास के लिए तो di अबाउट वेट अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखते हैं, dm into h minus of y का होल स्क्वायर। आई होप यू गेटिंग दिस, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हां। और dm की वैल्यू क्या लिखोगे आप? मास पर यूनिट एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया मतलब हाफ इनटू बेस, बेस का लेंथ कुछ मानना पड़ेगा हमें, तो ये बेस d मान लेते हैं। ये डेफिनेटली कट जाएगा क्योंकि अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको लेना पड़ेगा, बाद में कटेगा ये। सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया, एंड इनटू उसका एरिया लेना है। अब उसका एरिया कितना है? x इनटू dy है, एंड इनटू h माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर। क्या इस एक्सप्रेशन को आप यहां से इंटीग्रेट कर सकते हैं या कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको? सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल है ना यहां पे, x और y दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल से तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, आपको एक एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? y by x this should be equal to h by b, कह सकते हैं? हां सर। ठीक है, तो यहां से देखो मुझे x की वैल्यू मिल गई है, x is coming out to be b y divided by h, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ रहा है 2m by bh into x, अच्छा x को तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो x is b y by h into dy into h minus of y and इसका होल स्क्वायर, सही है ना? हां सर। देखो y b कट गया, आपको दिख रहा है, और वो कटना भी चाहिए था क्योंकि हमें उसको वो तो दिया नहीं है वैल्यू उसने, उसने तो इसलिए ये आ गया 2m by h square and 2। अब इसके साथ आप y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा h square y plus h cube, sorry plus y cube plus y cube and minus of 2h into y square and इसके साथ dy। देखो तो सही है, समझ आ रही है सबको? Yes sir। हां सर। तो मोडिफिकेशन अगर बेस के को इंटीग्रेट करना है तो 2m by h square इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y क्यूब dy माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2h इनटू y स्क्वायर dy। सब में आपको लिमिट वही डालना है 0 से लेके h तक, क्योंकि y आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वहां पे, है ना, वर्टेक्स है, सो 0 से लेके h। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू हो जाएगा h स्क्वायर इनटू y स्क्वायर बाय 2, मतलब h स्क्वायर बाय 2 हो गया, एंड प्लस ये हो जाएगा h टू द पावर 4 बाय 4 एंड माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2h इनटू ये हो जाएगा आपका h क्यूब डिवाइडेड बाय 3। देखो सब सही है ना? हां ठीक है। तो ये देखो 2m into h square ये बच रहा है यहां पे, एंड यहां पे आपके पास बच रहा है 3/4 एंड माइनस ऑफ 2/3, ये आ गया। देखो ये आ गया m h square by 6 आ गया ना, ठीक है? हां सर। हां ठीक है। सो ये ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा निकल गया, ये बेस के अबाउट ही चाहिए, बाकी और किसी के अबाउट चाहिए नहीं हमें, जितना जरूरत है काम का है बस वही बता रहा हूं आपको। ये कौन सा रिजल्ट था हमारा? नंबर सीक्वेंस में नंबर कौन सा था? 4, 5। नेक्स्ट 6 6th इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, मास और लेंथ क्या होगा? ठीक है, सपोजली ये हमारा रॉड है और इसके लिए हमने जो चूज कर रखा हुआ ऐसा कुछ है, और ये एक्सिस इस रॉड से एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है, एक्सिस आपका ये है।
इसके बाद जब आप मोंड फिनिशिया निकालोगे, रॉड इज क्लियरली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ध्यान रखना. तो मोंड फिनिशिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा जब निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी ml स्क्वायर / 3 sin स्क्वायर थीटा आता है. दिस कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर / 3 sin स्क्वायर थीटा. इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एक बार देख लो. मैं मेन डायग्राम को गंदा नहीं कर रहा हूं, वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए. डेरिवेशन का डायग्राम अलग से कर दे रहा हूं. तो चेक करो, हमें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होती है तो एक्सिस के साथ कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का. तो सपोजली हमने यहां से इधर पे ये डिस्टेंस एक्स लिया और dx का एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है, dx लेंथ का. तो यहाँ पे देखो एक dm मास आ रहा है. इस dm मास का एक्सिस से डिस्टेंस x नहीं है, वो कितना है, x sin थीटा, ये दिख रहा है आपको. हां यस सर, पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, आर्बिट्री कोई भी डिस्टेंस नहीं लेंगे. तो ये जो डिस्टेंस है ये है आपका x sin थीटा. तो इस मास के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे अबाउट द एंड एक्सिस तो ये कितनी लिखेंगे आप, दिस विल बी dm into x sin थीटा एंड इसका होल स्क्वायर, ये आएगा राइट. हां सर, हां. तो अगर आप नोटिस करोगे तो सिंस ये लेंथ का रॉड है तो m / l ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया. उसका कितना है x, उसका लेंथ कितना है dx, तो m / l into dx, ये उसका मास dm हो गया एंड इसके साथ x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है. अब अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको इस एक्सिस के अबाउट तो जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर निकालो, m l और sin स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट्स है ना, है ना. यस सर, हां. और यहां पे x स्क्वायर dx और लिमिट्स कहां से कहां तक है x का, 0 से लेके l तक. सो दिस गिव्स यू m l स्क्वायर / 3 sin स्क्वायर थीटा, देख रहे हो आपको. Yes, sir. मतलब एक रॉड जिसके लिए एक्सिस एक एंड से पास कर रही है और थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितने लिखेंगे, ml स्क्वायर / 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है. मैं सारा रिजल्ट एक एक करके जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ आपको. इनका एप्लीकेशन जो मिला के बनता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, मैं थोड़ी देर बात कराऊंगा आपको, ठीक है. पहले मैं रिजल्ट सारा करवा दे रहा हूँ. ओके, सपोजली इसी में देखो आप, ये तो एंड एक्सिस हो गया. अगर किसी ने आपसे सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस का पूछ लिया तो आप निकाल पाएंगे क्या? सपोजली आप देखो इसी के थ्रू आप डायरेक्टली सोचो कि अगर ऐसा अगर रॉड दे दिया होता, सपोजिटली ये सिचुएशन होता है, ये मान लो रॉड है और एक्सिस मान लो इधर से पास कर रही है, एक एंड से पास कर रही है, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल सकते हैं? थीटा 90 हो गया. तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एंड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर / 3 होगा ना, सिंस थीटा इज 90 डिग्री. इसको निकालने के लिए अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एम एल स्क्वायर / 3 माइनस ऑफ एम एल / 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कैसा? हां सर, हां. एंड अकॉर्डिंगली अब ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी 1/3 माइनस 1/4 मतलब 1/12 मतलब एम एल स्क्वायर / 12 हो जाएगा. क्लियर है? यस सर, ठीक है. तो आपने देखो अगर ये वाला याद रखा है थीटा एंगल वाला तो इनडायरेक्टली आपको ये भी याद हो गया ना. हां सर, ठीक है सर. ये माइनस क्यों हो रहा है एक बार बताएंगे? आप कौन बोल रहे हैं, एक बार नाम बताएंगे? सर मैं सौरदीप. सौरदीप, हाँ सर. आप एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताएंगे, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या एक बार बताएंगे? सर किसी एक्सिस के अबाउट एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है, जहाँ पे डी COM और मैंने the axis of COM. ठीक है, ठीक है, आपने ठीक बोला है. तो इस उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होता था तब आप स्क्वायर ऐड करते थे ना. हाँ, यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता है या दूसरा वाला पता है? वो यहाँ पे दूसरा वाला पता है. हाँ, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. लेफ्ट साइड में क्या लिखा है एक बार बोलेंगे, दिखने एक बार लेफ्ट साइड में.
आई एन ठीक है ठीक है चलो ये हो गया हमारा रॉड का रॉड वाला कौन सा एग्जांपल था हमारा नंबर सिक्स नेक्स्ट है हमारा नंबर सेवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसा सिचुएशन है मान लो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है ठीक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट है ये थ्री डायमेंशन मतलब ये प्लेट है ध्यान रखना भी नहीं है और एक्सिस चूज कर लेते हैं ये किधर का एक्सिस और एक किधर का एक्सिस मान लेते हैं आपको एक्सेस समझ आ रहे सारे कैसे चूज किए हमने हां सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर चूज किया ठीक है इसमें से दो एक्सेस उस प्लेट के प्लेन में आपको दिख रहा है हां सर एक्स वाई एक्स वाई के प्लेन में तो ऑब्जेक्ट इन क्या है ये प्लेट इन एक्स वाई प्लेन है प्लेट इन एक्स वाई प्लेन अब इस प्लेट के लिए कुछ हम चूज कर लेते हैं लेट अस से इसका लेंथ ये वाला लेंथ ये एल दिया हुआ है और ब्रेथ हमें जो दिया हुआ है ये मान लेते हैं हमें बी दिया हुआ है अगर मुझे जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं पहले एक्स और वाई एक्सिस का निकाल लूं और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर लूं ये कर सकते हैं ना आराम से हां सर हां सर तो एक बार इसका टॉप व्यू करके दिखाता हूं फिर उसके बाद से मैं रिजल्ट वहां पे लिख दूंगा ठीक है इसी का टॉप व्यू एक बार सोचते हैं टॉप व्यू में कैसा दिखेगा टॉप व्यू में थ्री डायमेंशन नहीं दिखेगा तो सिर्फ एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल की तरह दिखेगा ये इसका सेंटर ऑफ मास था तुम ये सोचो ये वाली एक्सिस तो हमारी वाई एक्सिस है ना डायग्राम से देखो सर हाँ ठीक है तुम ये सोचो कि अगर मैं सपोजिटली एक्सिस्टेंस में जाऊं और यहां पे एक पतला सा ऐसा एलिमेंटल रॉड चूज कर लो ठीक है यहां पे एक पतला सा एलिमेंटल रॉड चूज किया तो इसका जो मास होगा dm क्या ये सिचुएशन इक्विवेलेंट है सोचो इसके साथ क्या इक्विवेलेंट है सोचो कि मैं यहाँ पे एक रॉड लूँ और रॉड के एग्जिस्टेंस पे जाके dx का एक पतला सा एलिमेंटल मास चूज करूँ लेंथ का क्या सेम सिचुएशन है या नहीं है क्यों क्योंकि देखो ये रॉड का जो सारा एलिमेंट है ऊपर से नीचे तक सारा एलिमेंट सोचो क्या एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है या नहीं है yes, sir, हाँ. और अगर सारा सेम डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है ना एक रॉड की तरह तो बिहेव ही नहीं कर रहा है यहाँ पे yes. आपको समझ आया तुम अगर लिखते इसके लिए सोचो इसके लिए अगर लिखते भी तो तुम क्या लिखते डीएम का वैल्यू ये बताओ मुझे डीएम क्या लिखते हैं मास पर यूनिट एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू उसका एरिया और उसका एरिया कितना है ये ब्रेड्थ बी था तो क्या लिखते आप ये बताओ मुझे बीडीएक्स देखो ये बी और बी कटा क्या ये क्या बन रहा है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ बन रहा है क्या हां सर
ये रॉड का ही एलिमेंट है, समझ आ रही है? तो इस रॉड का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था, तो क्या प्लेट का भी उतना ही आएगा? लॉजिकली सोच के देखो, समझ आ रही है आपको? और इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने देखा था, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो आएगा ये कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा नहीं? अभी निकाला था, देखो ये देखो निकाला था ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पास कर रहा था एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड कितना आ रहा था, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ रहा था, तो बस इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। इससे एक अच्छी चीज क्या दिख रही है कि बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? जब हम वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो बी वाला डायमेंशन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये समझ आ रही है आपको? Yes. ठीक है, क्योंकि b मतलब जो b वाला जो डायमेंशन है ना, ये पैरेलल टू एक्सिस है, और पैरेलल अगर आपका कोई भी एक्सिस के पैरेलल, कोई भी एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट का कोई डायमेंशन दिखता है, तो दैट डायमेंशन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट को आप इमेजिन करो कि जैसे आपने स्क्वीज कर दिया है, अगर ऊपर और नीचे हाथ रख के ऐसे स्क्वीज कर दोगे तो क्या ये रॉड नहीं बन जाएगा? हाँ सर, बन जाएगा। इसको ऐसे सोचो कि डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है ये, डिफॉर्मेबल, जैसे प्लेट जो हमने बना रखा है उसको ऐसे इमेजिन करो ये डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में ऊपर और नीचे से दबा दिया तो क्या बना, ये एक रॉड बन गया, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता है कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12, तो ml स्क्वायर बाय 12 लिख लिया, समझ आ रही है? इसको स्क्वीजिंग कांसेप्ट कहते हैं। स्क्वीजिंग कांसेप्ट तभी लग सकता है जब आपके पास ये एक यू नो कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा ये है कि उसमें एक डायमेंशन ऑब्जेक्ट का पैरेलल टू एक्सिस होना चाहिए, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो उस एक्सिस से पैरेलल ऑब्जेक्ट का कोई भी एक डायमेंशन, मतलब वो डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दूंगा, फिलहाल के इसको यहाँ पे अब यूज करते हैं। देखो अब आपको सीख लिया आपने, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस चाहिए तो मिल रहा है ना? सर क्या बोला, वो बात कट गई आपकी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालोगे तो वाई एक्सिस से पैरेलल कौन सा डायमेंशन है, बी, तो बी को स्क्वीज कर दो, बी को स्क्वीज किया तो क्या बन गया, एल लेंथ का रॉड, तो एल लेंथ का रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाय 12। यस सर। हां सर, सर आई एक्स ताले एम बी स्क्वायर बाय 12 होवे। यस परफेक्ट, एम बी स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम निकाल रहे हैं तो एल लेंथ पैरेलल है, और एल लेंथ को अगर स्क्वीज कर दिया तो ये एक रॉड perpendicular to x-axis and of length b बन जाएगा, तो mb square by 12 हो जाएगा। अब ये दोनों अगर निकल गया तो z-axis का भी मिल गया ना आपको, मिल गया नहीं, ix plus iy, हाँ सर, और ix plus iy किया तो कितना मिल जाएगा आपको, this will be m into l square plus b square and divided by 12 हो जाएगा। I hope you are getting this, ठीक है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Squeezing concept में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? Squeezing concept. Any dimension of an object which is parallel to a certain axis about which moment of inertia is being calculated, then this dimension does not contribute in the MOI calculation, hence we can squeeze this dimension to get a new object, and we calculate the MOI moment of inertia of this squeeze object. Squeezed object. I hope आपको समझ आ गई है, ठीक है ना? Yes. ठीक है।
अब इसको हम यूज करते हैं एक जगह पे, देखो ये कौन सा नंबर था, नंबर 7, नंबर 8 करते हैं, इसी एग्जांपल को एक जगह यूज करते हैं, नंबर 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, मास, रेडियस एंड लेंथ, ये तीन चीजें हुई है, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है। सपोजली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कौन सा एक्सिस पैरेलल, इसका कोई डायमेंशन है क्या जो पैरेलल इस एक्सिस से? हां सर। लेंथ? लेंथ हां। हां सर। और लेंथ को अगर स्क्वीज कर दिया तो क्या बन गया ये? रिंग? रॉड। हां सर। हां सर, हां रिंग बन गया। थप्पड़ मारूंगा, रॉड कैसे? इनर स्क्वायर बाय 2। सर रेडियस का स्क्वीज करने से रॉड बनता है। रॉड रेडियस को क्यों स्क्वीज करोगे? रेडियस का कोई डायमेंशन पैरेलल है क्या एक्सिस से? नहीं, परपेंडिकुलर है सर। फिर सो इस केस में इसको जब हमने लेंथ के अलोंग स्क्वीज किया तो इस केस में क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा ना, है ना? हां सर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM से तो पास कर ही रहा है, बट दिस इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है ना? पैरेलल लिखा है मतलब पैरेलल टू एक्सिस, तो ये आपका रिंग से मैच करेगा, तो ये आपका एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? रिंग्स एम ओ आई लिखना है आपको, सेम यूजिंग स्क्वीजिंग कंसेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है? एंड अगर आपने सपोजली इसको इसके बोर्ड घुमा रखा है, सपोजली ऐसा ऐसा एक्सेस इमेजिन करो, इसके बोर्ड अगर घुमाओगे तो इसके अबाउट लिखनी है, तो अब आपका कोई स्क्वीजिंग कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें। अब थोड़ा सा लॉजिकली आपको कराता हूँ, देखो कैसे आपको विजुलाइज करना है। अगर सामने से इसको देखोगे, सिलेंडर को एक रॉड दिख रहा है ना, रॉड ऑफ लेंथ है, दिख रही है ना? और रॉड ऑफ लेंथ एल के लिए ये किधर से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से एंड लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए? और रिंग के लिए ये एक्सिस कौन सा है? डायमेट्रिक एक्सिस है ना? समझ आ रही है? और रिंग का डायमेट्रिक एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? एम आर स्क्वायर बाई 2, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, है ना? हाँ सर। तो ये हाफ ऑफ m r square कर लेंगे, that's it। तो इस तरीके से याद रखोगे तो ये याद भी रह जाएगा, ठीक है? मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बोला वैसे याद रखना, अदरवाइज बिना लॉजिक का याद रखोगे तो नहीं याद रहेगा, ठीक है? तो ये हमने किया है किसके लिए? रॉड के लिए। और ये जो किया है ये किसके लिए किया है? रिंग्स डायमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से क्या हम सॉलिड सिलेंडर का भी लिख सकते हैं? बताना क्या? ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट 9th रिजल्ट है ये। क्या लिखा? 9th रिजल्ट है, ठीक है? दिस इज MOI ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। इस बार अंदर में ये शेडिंग करके देख रहे हैं, जस्ट टू हैव अ बेटर फील कि ये सॉलिड है, ठीक है? इस बार बताओ किससे मैच करेगा? इसको स्क्वीज करेंगे तो किससे मैच करेगा? डिस्क। डिस्क से, ठीक है? तो इसका मतलब कितना हो गया? एम आर स्क्वायर बाई 2। और अब बताओ अगर एक्सिस मैंने परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ सिलेंडर चूज किया है, तो अब सामने से देखोगे अभी भी क्या दिखेगा? ये रॉड। और कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस। अब साइड से देखो, साइड से देखने पे क्या दिख रहा है? डिस्क का डायमेट्रिक, और डिस्क का डायमेट्रिक मतलब हाफ ऑफ
एम आर स्क्वायर बाई टू है ना, आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ये वापस से दिस इज रॉड एंड दिस इज डिस्क डायमीटर, ठीक है ना? हाँ सर। ये हो गया नंबर नाइन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म थिन, यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल इसकी मास है और रेडियस आर दी हुई, इसको डाइव नहीं करूंगा, ये डेरिवेशन लंबा है, ये आप आराम से टेक्स्ट बुक्स में देख लेना, आपको समझ नहीं आए तो इनकेस तो पूछ लेना। ये डिस्क नहीं है, ध्यान रखना, मतलब ये रिंग नहीं है, ये स्फेरिकल शेल है। तो स्फेरिकल शेल के लिए कोई भी एक्सिस चूज करो जो सेंटर से पास करता है, तो सबको डायमेट्रिक एक्सिस कह सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, तो इस डायमेट्रिक एक्सिस का ही आप याद रखते हो, तो मोर डेफिनेशन अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस जो आएगी इसको डायमेट्रिक लिख लेते हैं, ठीक है ना? ये बेसिकली कोई भी सेंटर ऑफ मास के बोर्ड कोई भी मोर डेफिनेशन चूज करोगे सेंटर ऑफ होगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है, सारा डायमेट्रिक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू थर्ड स्क्वायर आएगी, ठीक है, टू थर्ड एम आर स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखेंगे आप। और एक लास्ट बता दे रहा हूँ आपको, नंबर 12 था नहीं 11 है, 11 है सॉलिड, अगर सॉलिड होगा तो डेफिनेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म आप अगर कॉपी में करेंगे तो इसके भी घूम रहेगा, तो वो डेफिनेशन इसके वो नहीं है, तो फिर से सारा डायमेट्रिक एक्सिस ही है, एंड वो डी मोर डेफिनेशन विल बी 2 बाय 5 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, और 2 बाय 3 लिखते हैं एंड सॉलिड के लिए 2 बाय 5 लिखते हैं। अब इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इसमें एलिमेंटल मास आप डिस्क चूज कर सकते हैं और शेल्स भी चूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? हां सर। हां सर, नहीं कर सकते चूज करोगे तो बहुत सारे डिस्क बना हुआ है भी मान सकते हैं, शेल्स चूज करोगे तो बहुत सारे शेल से बना ये भी मान सकते हैं। मैं शेल वाला दिखा रहा हूं, वो आसान है, डिस्क वाला बहुत लंबा है कैलकुलेशन में। तो ये रेडियस r एंड इसका थिकनेस dr, अब इसके अबाउट इसकी मोर डेफिनेशन निकालनी है, ये डायमेट्रिक, ये डायमेट्रिक एक्सिस तो इस शेल के लिए भी है ना? हां सर। हां है नहीं है, इसके बोर्ड अगर आप इसको स्पिन कर रहे हो तो उसने डी आई लिखोगे, आप डी आई की वैल्यू लिखोगे तो डी एम इंटू आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम टू थर्ड ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये समझ आ रही है आपको? क्योंकि हमने क्या ट्रीट किया इसको, शेल चूज किया है और शेल का मोर डेफिनेशन जो होता है वही आपको लिखना पड़ेगा, समझ आ रही है? यस। अब इसकी वैल्यू से डी एम लिखना है मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए आपको, मतलब 4/3 पाई कैपलर क्यूब इनटू उसका वॉल्यूम, एंड उसका वॉल्यूम विल बी 4 आर एरिया इनटू थिकनेस दैट विल बी डीआर, एंड इसके साथ आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो यहां से देखोगे तो 4 पाई और 4 आउट हो गया, यहां से आर क्यूब का ये आर क्यूब हो गया 10 पाई आर क्यूब, यहां से आपने वो 2/3 डीएम लिखा वो जगह एक बार और बताएंगे? हाँ, क्योंकि ये जो एलिमेंट आपने चूज किया है कैसा एलिमेंट है ये बताओ मुझे, ये एलिमेंट कैसा है? ये तो रिंग है सर। रिंग नहीं है बेटा, वो स्फीयर में रिंग कहाँ से बना रहे हैं यार, ये शेल है और डिस्क, डिस्क सर, डिस्क नहीं है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट कैसे बनाओगे डिस्क का, मतलब कैसे कैसे बनाओगे रिंग का?
तुमको एलिमेंट ऐसा चूज करना पड़ता है ना जिसके लिए मोनो फिनिश या तुम यू नो लिखो तो इंटीग्रेट करने पे सबका मिल जाए, तो तुम सॉलिड स्फीयर में रिंग का एलिमेंट क्यों चूज करोगे? बताओ अच्छा। वो शेल चूज किया मैंने, तो शेल का मोनो फिनिश है 2/3 एमआर स्क्वायर तो वही लिख, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो अभी हम इसको इंटीग्रेट ही बस करना है, सो मोनो फिनिश देखो कितनी आएगी, ये 2m by r cube, ये तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ 4 dr इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू r, अगर आप नोटिस करोगे तो 2/5 mr square आ चुका है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, इतने रिजल्ट्स आपके लिए स्टैंडर्ड है, ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए। अब इसके ऊपर बेसिस पे यू नो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो आपको यू नो मोनो डिफरेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए पूछेंगे, ठीक है? मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, फिर आप एक एक करके जवाब देते जाना। मान लो हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर वायरफ्रेम बना दिया है, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगुलर और तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, मतलब ये ML का है, ये भी L का है और ये भी L का है, ठीक है? मास और लेंथ सबके लिए आइडेंटिकल है। अब उसने हमसे ये पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द रॉड्स कितना होगा, वन ऑफ द रॉड्स चाहिए, ये कितनी होगी, कितनी होगी बताओ? जैसे ये एक्सिस टू है, ये एक्सिस टू है, तो इस एक्सिस पे देखो एक एक्सिस पे दिख रहा है। हाँ सर, आपकी आवाज आवाज बहुत कट रहा है सर। आवाज कट रही है? हाँ सर, एक मिनट। अभी चेक करो, अभी ठीक है क्या? मैंने पूछा कि जिस रॉड के थ्रू ये एक्सिस पास कर रहा है उस रॉड का माउंट फिनिशर कितना होगा? जीरो। जीरो, क्योंकि सारा का सारा मास तो वही एक्सिस पे ही है ना, तो इसलिए उसको बाकी दो रॉड बचे, तो दोनों रॉड इस एक्सिस के एंगल कितना दिख रहा है आपको? 60 डिग्री दिख रहा है। 60 डिग्री दिख रही है, तो कौन सा फार्मूला में यूज करना था? ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर थीटा। ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसे कितने रॉड है हमारे पास? दो है ना, दो तो इनटू कर लेंगे, समझ आया? अगर आप नोटिस करोगे तो ये अरे अरे स्क्रीन फ्रीज हो गया, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज कट जा रहा है। हां सर, आप आ रहे हैं, मैं स्क्वायर बाय 2, ठीक है सर। आया? हाँ सर, हाँ सर, अब आया। ठीक है, देखो ml square by 2 दिख रहा है ना आपको, किसी का ml square by 8 आ रहा था, वो कौन आ रहा था, किसका आ रहा था ml square by 8? किसका आ रहा था बेटा? अभिलाष सर, मेरा ना सर, मेरा क्या नाम, मेरा मेरा नाम क्या है सर? मैं सौरदीप। सौरदीप, क्या गलती किया था आपने? सर मैंने ma square by 6 कर दिया था। ma square by 6, वो तो ट्रायंगल के लिए है, सॉलिड होने चाहिए, रॉड्स कहाँ से ट्रायंगल बन रहा है? सर ये i1 ऑफ द रॉड्स ये कैसे घूम रहा है वो मैं समझ नहीं पाया। अब समझ पा रहे हो? हाँ सर, अब समझ रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट ट्राई करो।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM चाहिए बट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, इसका बताओ कितना होगा? अच्छा मेथड बता दो कोई, बताओ सर, ml स्क्वायर बाय 4, ml स्क्वायर बाय 4 सही है, ml स्क्वायर बाय 4 सही है, बताओ और को क्या क्या सर यहां पे icom परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला है ना इसका, तो फिर मैंने दो मीडियंस को मतलब ले लिया, ठीक है ठीक है, आपने ऐसे कुछ किया है, ठीक है यही कह रहे हो ना? हाँ सर, सर नहीं सर गलती की, मैंने दे लिया था कि दो मीडियंस परपेंडिकुलर, नहीं नहीं गलती तो तुम्हारा नहीं है, आंसर तो मुझे लगता है ठीक है तुम्हारा, शायद शायद ठीक है, मुझे जितना डेटा याद है, मैं तो देख के नहीं बोल रहा बट डेटा जितना याद है शायद ठीक है। आपको क्या चाहिए, देखो ये सेंटर ऑफ मास दिख तो रहा है ना, सबको दिख रहा है सेंटर ऑफ मास, यही है ना? हाँ सर। और ये जो डिस्टेंस है एक रॉड का सेंटर का जो डिस्टेंस यहाँ से वो कितना है, 1/3 ऑफ द हाइट, एंड 1/3 ऑफ हाइट मतलब √3 L/2, मतलब ये आएगा L/2 √3, ये आएगा ना? यस सर। अब ये निकालने में हम क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है mL/12 होता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इसको निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो दिस विल बी mL² / 12 प्लस m × L/2 √3 इसका स्क्वायर, और ऐसे कितने रॉड है हमारे पास, तीन है ना, तीन है, तो थ्री कर लिया, सो ये देखो कितने आ रही है, एम एल स्क्वायर कॉमन आउट हो जाना है, और 3 × 4 = 12 / 6 एंड × 3 मतलब mL² / 2 फिर से कर लिया यार, ये क्या देखो, हां सर, हां सर mL² / 2 ठीक है ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा आंसर शायद ये तो नहीं बोला था शायद आपने, नहीं सर मैंने गलत तो यूज किया था कॉन्सेप्ट, ठीक है ठीक ठीक है, अगर मान लो कि इसने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन वर्टेक्स एंड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका बताओ कितना आएगा, सर? हाँ जी बोलो बेटा, 10 mL² / 9, ये रिजल्ट मुझे याद नहीं, बोलो क्या क्या किया, एक एक करके बोलो सर, दो मतलब दो डॉट्स के लिए तो वो एक्सिस एट एंड पॉइंट की तरह हो गया, गुड परफेक्ट है, तो ये हो जाएगा mL² / 3 × 2 है ना, ऐसे दो डॉट्स, हाँ सर, प्लस और जो तीसरा वाला रॉड है उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा है ना, ओ हां सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना, तो उसके लिए लिखोगे तो ये आएगा L² + m × side length मतलब जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे रॉड का √3 L/2 n इसका स्क्वायर, ये आएगा ना, देखो तुम हां सर, सबको समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया, into two, first वाला term. Axis, axis, जैसे ये axis, end A मान लिया मैंने,
एंड ए से एक एक्सिस लो जो दोनों रॉड के लेंथ के मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वही तो एक्सिस है ना। पहले एक्सिस समझो तुम्हारा कौन सा होगा। तो ये एंड एक्सिस से हो गया ना, ये एंड एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे कितना आ रहा था, एम एल स्क्वायर बाय 3 नहीं आ रहा था क्या? हां तो वही तो लिखा है एम एल स्क्वायर बाय 3, और ऐसे दो रॉड है तो इसलिए एम एल स्क्वायर बाय 3 इनटू 2। ओके ठीक है। हां सर। और तीसरा वाला रॉड के लिए तो सेम पैरेलल एक्सिस सीरम आपको लगाना पड़ेगा, तो वो लिखा है। अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन में छोड़ दे रहा हूं, खुद कर लेना ठीक है सर। हां बोलो बेटा। सर सर ये जो दो डॉट का तो हुआ, तीसरा डॉट का जो हमने किया ना ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इनटू वो जो डिस्टेंस है मतलब हाइट उसका स्क्वायर, सर ये तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ml स्क्वायर बाय 12 है com के अबाउट उसका आई। हां और हमें तो com के अबाउट नहीं चाहिए ना, और उसके अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। दूसरे एप्लीकेशन पे शिफ्ट करते हैं। सपोजली किसी ने ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है, मान लो आपको लेट अस से ये रॉड है ठीक है, रॉड के लिए उसने एक ऐसा एक्सिस चूज कर रखा है, उसने कह रखा है इस एक्सिस का नाम ए बी है ठीक है, ये से परपेंडिकुलर है ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये इसका सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पे पास कर रहा है। और अब उसने क्या किया, इस रॉड को बीच से तोड़ दिया ठीक है, rod broken from middle, बीच से तोड़ा, और तोड़ने के बाद फिर जो सिचुएशन दिखा रहे हैं वो यहाँ पे एक्सेस वही रहेगा हमारा, एक्सेस वही है, so let us say this is A and B, and जो rod हमारे पास बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है। ध्यान देने की बात ये है कि दोनों ही लेंथ जो है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर है, बट आपस में दोनों के बीच में एंगल थीटा है ठीक है। तो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसको आई ए बी मान लेते हैं ठीक है, और अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई ए बी डैश मान लेते हैं। आपको पूछा गया है आई ए बी इज टू आई ए बी डैश, ये कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है? बताओ सर, 1:8। हाँ सर, 1:8 होगा। नहीं, 1:8 नहीं होगा। क्या कर रहे हो? मैं एक बार 1:8 कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हो सुनो मैं? वो सर गलती क्या है समझ? क्या गलती क्या और को बताओ? सर वहाँ पे तो पूरा रॉड का लेंथ L है, तो फिर तो उसके COM परपेंडिकुलर के अबाउट होगा ml स्क्वायर बाय 12। और इस वाले केस में दो डॉट के एंड पॉइंट में है, तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा ml स्क्वायर बाय 3 पर, यहां पे l l बाय 2 होगा, मैंने l ही ले लिया। ओहो, और m भी m बाय 2 नहीं करना पड़ेगा? हां सर, यूनिफॉर्म m बाय 2। और दूसरे किसी ने शायद आप कौन थे बेटा, और एक किसी ने बोला था सेम मिस्टेक हुआ। ओके, आपका नाम क्या है बेटा, एक बार बताइए। सर अभिलाष। देखो मैं आपको इसका एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लो ये कितना आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट बताऊंगा, करके देख लो, आपने ट्राई किया उसको करके देख लो और बताना कुछ अच्छा रिजल्ट दिख रहा है तो। सर 1:1 है क्या आंसर? हाँ आंसर 1:1 है, आंसर 1:1 है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक
शेयरिंग बंद कर। मेरी आवाज आ रही है तो? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अगे तो देखो एक चीज। देखो ऐसा सिचुएशन है ना, ये दो हाफ है मान लो, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है? अच्छा। हाँ सर। ये देखो एक्सिस ऐसा है ना? यस सर। यस सर। ओके। सपोजली मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है? आप बताओ मुझे इसका मोल्ड फिनिशर चेंज करेगा नहीं करेगा? मतलब मोमेंटम नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि जो मासेस का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, क्या वो चेंज कर रहा है? आप बस ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, बट इस ओरिएंटेशन को चेंज करने से मासेस का जो डिस्टेंस है एक्सिस के साथ वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना? यस सर। हां, अब क्या करो? सिर्फ ये हाफ का सोचो, ये एक हाफ का, ये एक हाफ पहले इस तरफ दिख रहा था, अभी आपने इसको इधर से इधर कर दिया है ना, राइट? ऐसे कर दिया, तोड़ के निकाल, तोड़ के पहले भी तो एक्सिस से परपेंडिकुलर ही था वो हाफ, आपने तोड़ के बस इसको इधर सीधा ले आया ना, है ना? हां सर। और जब ऐसे से ऐसे लाओगे तो क्या इस एलिमेंट्स का डिस्टेंस इस एक्सिस से चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। हां, अगर आप ऐसे टर्न करते, ऐसे टर्न करते देखो, ऐसे टर्न करे तब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? हां सर। यस सर। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट होता, बट अगर ऐसे टर्न कर रहे हो तब तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, और मासेस का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चेंज करेगा? तो आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था इसमें, ये एनालिटिकल क्वेश्चन था कि आप ये देख रहे हो कि पहले जितने डिस्टेंस पे सारे एलिमेंटल मासेस दिख रहे हैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बाद में भी सारे एलिमेंटल मासेस उतने ही डिस्टेंस पे हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, जैसे पहले ऐसे थे एकदम डायमेट्रिक ऑपोजिट एंड पे, और इनको आपने ऐसे लिया है, पास में लिया है, ये आपस में एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं, बट एक्सिस जो था उसके रिस्पेक्ट में उनका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है सारे एलिमेंटल मासेस का वो क्या है, सेम ही रह गया है। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, ये एनालिटिकल सॉल्यूशन बताया, अगर आप मैथमेटिकली भी करते तो भी उससे आंसर मैच कर जाता। वो सबमिट गया।
अब डायग्राम को ठीक है ना, पता चलना चाहिए कि एक्सिस के साथ ही परपेंडिकुलर रह गया है, तभी ये आंसर सही आएगा। ये जो ध्यान रखना इसको हमने आई ए बी डैश बोला था। देखो मैथमेटिकली अगर करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं आई ए बी का वैल्यू बी एम एल स्क्वायर बाई टू और आई ए बी डैश का वैल्यू का लिखेंगे तो ये वैल्यू लिखेंगे आप एम बाई टू एक हाफ के लिए एम बाई टू फिर एम बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री यही लिखते हैं ना आप एक हाफ के लिए है ना। यस सर। और ऐसे कितने हैं आपके पास दो देखो एक हाँ तो इंटू टू कर लिया तो एम एल स्क्वायर कितना आ गया ट्वेल्व आ गया अगर देखोगे तो आई ए बी टू आई ए बी डैश कौन आ गया ठीक है। यही मैं बोल रहा था कि अगर आप मैथमेटिकली भी करते तो भी सही आता बट ये मैंने तो मैथमेटिकली नहीं बताया आपको एनालिटिकली एनालिटिकली दिस कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड दिस कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड एज the separation of the elemental masses did not change with respect to the axis thus MOI should not have changed नेक्स्ट ट्राई करते हैं देख थर्ड ट्राई करते हैं। इमेजिन कोई आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है प्लेट जब बोलो कोई ध्यान रखिए और अब हमने क्या रखा है कुछ एक्सेस ड्रॉ कर रखा है तीनों एक्सिस के प्लेन में है ठीक है तीनों एक्सिस प्लेन में जैसे दिस इज एक्सिस वन दिस इज एक्सिस टू एंड दिस इज एक्सिस थ्री ठीक है अगर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट तो ये लिख रहा है इसके मास और लेंथ आपकी है ठीक है m लिख रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 प्लस 4 इक्वल टू m आपका आवाज बहुत कट रहा है आवाज बहुत कट कर रहा है आवाज कट कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है ट्रक और को टिप कर रहा हूँ नेटवर्क देखते हैं अभी चेक करो अभी ठीक आ रही है क्या आवाज हाँ सर ठीक है ये एक बार इसका आवाज कहते हैं ठीक आ रही है एक बार उसकी आवाज ठीक आती है ये बार बार चेंज हो रहा है चलो ठीक है नहीं देखो अच्छा ये कंडीशन एक बार बता देंगे तब कट रहा था मैं कह रहा हूँ कि एक स्क्वायर प्लेट है यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और उसके लिए तीन एक्सेस अभी चूज किया बस तीनों का एक्सेस जो है डायग्राम में प्लेन में ही है ठीक है ऑल थ्री एक्सेस है इन द प्लेन ऑफ द प्लेट और तुमको पूछा है उसने कि सही स्टेटमेंट कौन सा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन पहला ये है दूसरा है आई टू प्लस आई थ्री दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स एंड तीसरा है I1 plus I2 is equal to ml square by 6 and chautha hai all of these batao kaun sa aayega Thank you.
सर ऑप्शन फोर होगा क्या सर ऑप्शन फोर होगा क्यों होगा फोर सर क्योंकि वो सर वन और टू का तो वो तो समझ में आ ही जा रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस है तो वहां से आ जा रहा है और सर वो थीटा एंगल जो है सर सर जो वन और टू से परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो तो सर थ्री से भी परपेंडिकुलर ही होगा सो सर जो थ्री से और एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग अगर ले लेते हैं और वो दोनों का सम उसके परपेंडिकुलर का इक्वल होगा फिर बाई सिमेट्री एक्सिस थ्री का भी एम स्क्वायर बाई 12 ही आ जाएगा फिर सर वहां से प्लस करके सब एक ही आएगा परफेक्ट सही कह रहे हैं ठीक है बेटा एकदम परफेक्ट लॉजिक है देखो उसने क्या किया है पहला चीज तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस है ना स्क्वायर ब्रैकेट किसका केस है रेक्टेंगल का केस है हां सर यस राइट तो इसके लिए अगर आप सोचोगे तो मोंड About, अगर 1 निकाले, about 1, तो क्या हम इसको squeezing concept से ml square by 12 लिख सकते थे? लिख सकते थे ना? हाँ सर। वैसे ही same concept से इसको ही mode to finish about 2 भी लिख सकते थे, है ना? हाँ सर। But आपको वही theta angle वाला नहीं पता है। But एक चीज notice करो, x axis अगर मैं अगर अगर supposedly ये जो one axis mark किया हुआ है, इसको अगर मैं x axis treat करूँ, और जो two axis mark किया है, इसको अगर y axis treat करें तो z एक्सिस देखो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हां सर राइट अब सपोजली कोई ऐसा एक्सिस चूज करे सपोजली थर्ड वाले एक्सिस है इसको उसने x एक्सिस बना लिया x डैश मान लेते हैं और जो एक नया एक्सिस मैंने बनाया इसको 4 मान लेते हैं इसको y डैश लिख लेते हैं तो x डैश और y डैश का भी जो z एक्सिस है वो तो कॉमन है हां सर हां राइट इसका मतलब इनके लिए भी मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता था है ना यस सर एक्स डैश और वाई डैश वाला मतलब एक्सिस 3 और एक्सिस 4 के लिए एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो सिमेट्री देख के ही कह सकते हो कि एक्सिस 3 और एक्सिस 4 आइडेंटिकल है नहीं है यस सर आप डायग्राम को 90 डिग्री टर्न कर दो आपको समझ आ जाएगा जस्ट टर्न द डायग्राम बाय 90 डिग्री तुमको दिख जाएगा कि जहां 3 था वहां 4 आ जाएगा होगा नहीं होगा समझ आ रही है सबको आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस यस सर हां सर तो देखो हम अगर ऐसे लिखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 4 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस एंड दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एंड i3 एंड i4 आर आइडेंटिकल फ्रॉम सिमेट्री दे आर आइडेंटिकल फ्रॉम सिमेट्री ठीक है तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि i3 is equal to i4 is equal to i1 is equal to i2 ना यस सर राइट इसका मतलब एक स्क्वायर प्लेट के प्लेन में आप कोई भी एक्सिस चूज करो टेक एनी एक्सिस जो उसके प्लेन में लाई करना चाहिए तो एंगल थीटा कुछ भी हो सबका माउंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा एक ही आएगा और वो सारा रिजल्ट कौन सा है ml स्क्वायर / 12 / है समझ आ रही है आपको Yes, sir. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारा ही मैच कर रहा है ना ठीक है yes, sir. समझ आ गया ये रिजल्ट आप ठीक है इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट अबाउट एनी एक्सिस any axis passing through the plane of the plate is independent of the orientation of axis if it passes through CON ठीक है इसको ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं करेगा इसको ध्यान रखिएगा प्लेट वाला अलग है थीटा एंगल पे ऐसा नहीं है कि ml स्क्वायर / 3 साइंस पे थीटा याद किया तो हर जगह वही लगाते रहोगे ऐसा नहीं करना चौथा देखो एक नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो सपोजली यहां पे आपको एक
ऐसा एक सर्कल का एक पार्ट दिख रहा है. दिस इज पार्ट ऑफ अ सर्कल. ऐसे सोचो ये डिस्क का एक पार्ट है. और ये जो एक्सिस हमने चूज किया है ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये एंगल मान लो 60 डिग्री मैंने दे रखा है. ठीक है, दिस इज मोशन कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क. मोशन कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क. ठीक है, इसके लिए रेडियस आपको आर दे रखा है और इसका मास आपको एम दे रखा है. इसकी बाउंड डेफिनेशन पूछी गई है, इस एक्सिस के बोर्ड कितनी आएगी. बाउंड डेफिनेशन बताओ कितना आएगा. ये ए बी के बोर्ड सर एम आर स्क्वायर बाई 12 कहां से ला रहा है. सॉरी सर गलती हो गई. गलती कहां से लाया तुम 12? मैं जो समझ आ गया. देखो इसमें स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है. आपको याद है सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के वक्त मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि जब भी एक रेगुलर पोर्शन से कुछ पोर्शन काट के निकाल देते हैं तो वो कटा हुआ पोर्शन को हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं ना. आपको याद है ये कॉन्सेप्ट? हां सर. अगर आप देखोगे तो आपको ये कटा हुआ पोर्शन का तो बाउंड डेफिनेशन नहीं पता है, बट पूरे डिस्क का पता है या नहीं पता है? पता है सर. पता है. तो हम क्या करें, इसमें वो जो पार्ट मिसिंग है उसको अपनी तरफ से ऐड करते हैं. ठीक है, इसी का टॉप व्यू अगर सोचे कि टॉप व्यू इसका बनाते हैं पर तो टॉप व्यू में अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है सिचुएशन आपको. एक सर्कल और सर्कल में आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे रखा है. ऐसा ही कुछ है ना? हाँ सर. ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, दिस इज गिवन. अब ऐसा करें, मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए आपको बोला है तो इसको कंप्लीट करने का सोचते हैं. पहले ये एक्सटेंड कर लेते हैं और सिमेट्रिकली हम ऐसे पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, देखो अगर मैं ये चारों मतलब टोटल सारे ऐड कर दूं, मतलब ये एम का होता, ये भी एम का होता, ये भी एम का होता, ये भी एम का और ये भी एम का और ये भी एम का, ऐसे कुछ होता? क्योंकि सारा 60 डिग्री का है. देखो समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? हाँ सर. अब ये सोचो, हमें दिया तो उसने सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ दिया ये वाला पार्ट है, बट बाकी पार्ट हमने क्या किया, अपनी तरफ से इंसर्ट किया है. और बाकी पार्ट को इंसर्ट करने से तुम खुद ही सोचो क्या ये कंप्लीट डिस्क बन गया नहीं बन गया? बन गया सर. और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसका लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर. अब ये परफेक्ट डिस्क बनने के बाद क्या हो गया, ये टोटल मास डिस्क का लेना पड़ेगा है ना? और को कितना मास है? एम या सिक्स सर? 12 6 एम है. नहीं, जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो. टोटल मास कितना है, 6 एम है या एम है डिस्क का? 6 एम है. 6 एम है. और सारे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा तो दिख ही रहा आपको सिमेट्री से है ना? सबको दिख रही है? हाँ सर. तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें रिक्वायर्ड है इसका अगर मैं 6 गुना कर दूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क मिल जाएगा, राइट? है ना? हाँ सर. तो 6 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे, मास ऑफ डिस्क इनटू आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. ये तो फार्मूला था ना. अब मास ऑफ डिस्क कितना है, 6m. तो 6m इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. देखो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गया,
एम आर स्क्वायर बाई टू तो रह गया है ना, देख रही आपको? हाँ सर, हाँ सर। क्या ये 60 डिग्री पे डिपेंडेंट है? नहीं सर, नहीं सर। इसका मतलब हर बार ये क्या होता है, वही रहता है, मतलब आप 30 डिग्री लेते तो भी यही आंसर आता, 120 डिग्री लेते तो भी यही आंसर आता, सारे केस में यही रहता। बस ये ध्यान रखना कि एम किसका लेना है, मतलब जो गिवन पोर्शन है उसका मास लेना है आपको। बात सर याद नहीं थी गिवन पोर्शन का मास। हाँ तो गिवन पोर्शन यही याद नहीं रहता। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर देखिए क्या रहता है ना, कितने नंबर होते हैं, चार पांच होते हैं। Complete mass in a hollow आपने अभी क्या बोला? हाँ सर, कांड के मैंने बोला कि complete एक complete solid sphere के लिए मैंने एक cavity create कर दिया, ठीक है, solid sphere के इसका radius मान लो आप 2r है, और अब तो कैविटी का रेडियस आपको दिख रहा है, कैविटी का रेडियस दिख रहा है ना आपको? हां सर, आर आर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ 8m, 2r नॉन कंसेंट्रिक cavity is created of a radius r. Find the moment of inertia about, यहाँ पे एक्सेस मार्क कर देता हूँ मैं, एक एक्सेस ये ab, CD. बताओ क्या आएगा, ट्राई करो सभी, देखो क्या आएगा। सर 57 बाई 5 आर स्क्वायर, क्या 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 फिर से बोलो? सर 57 बाई 5 आर स्क्वायर,
ये किसका बता रहे हो, फर्स्ट पार्ट का बता रहे हो? नहीं सर, सर दोनों का ही, मेरा तो एक ही आंसर है। दोनों का एक ही आ रहा? नहीं, दोनों का एक नहीं आएगा। और रिजल्ट वैसे मुझे याद नहीं है, आप अभी बोलोगे कैसे कि आपने, तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपने सही किया गलत किया। सर वो सर पूरा का तो पता ही है सर, और वो मैं खुद से वो कैविटी को फिल करके एक तो छोटा सा सॉलिड स्फीयर बना लिया, फिर उसको माइनस कर दिया वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। सर ठीक है, एक बात क्या है, स्टेप तो ठीक है, तो सही बता रहे हो, अब लिखे क्या उस पर डिपेंड करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे किस, इसको मैं कह लेता हूँ पार्ट वन कह लेता हूँ और इसको पार्ट टू कह लेता हूँ, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि एम वन कितना है, 7m है ना? Yes, और m2 वो है m है ना? ये रीजन क्यों है, सिंस मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, राइट है ना? ठीक है, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो जो छोटा वाला कैविटी है उस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, 1/8 हो गया है, क्योंकि रेडियस हाफ होने का मतलब है वॉल्यूम 1/8 हो गई है, और वॉल्यूम 1/8 होगा तो मास भी 1/8 हो जाएगा, तो इसलिए टोटल मास का आपको 8m दिया था, तो कैविटी वाला जो स्फीयर है उसका मास आपका m है, तो बाकी बचा आपका 7m मिलेगा, ठीक है। अब अगर लिखूं इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोंट फिनेशिया अबाउट ए पी अगर मुझे निकलना है, ठीक है, ये कंप्लीट डिस्क के लिए और सॉलिड स्फीयर स्फीयर के लिए, तो इसको लिख सकता हूँ दिस इज मोंट फिनेशिया ऑफ पार्ट वन प्लस मोंट फिनेशिया ऑफ पार्ट टू, ये अबाउट ए पी ऑब्वियसली, सही लिख रहा हूँ मैं। अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट वन, यही तो आपको निकालना है ना, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट, है ना? है ना? तो अब बाकी चीज तो आपको पता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दिस इज सॉलिड स्फीयर, तो ये लिख लेंगे 2/5 8m * 2r का स्क्वायर, ये लिखेंगे, है ना? और दूसरे वाले को जब लिखोगे तो दूसरे वाले के लिए तो आपको पैरेलल सिस्टम यूज करना पड़ेगा, दूसरे वाले के लिए देखो आपको पैरेलल सिस्टम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायमीटर के अबाउट आपको पता है कि ये 2/5 एमआर स्क्वायर होती है, मतलब ये 2/5 स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल रहा हूं, 2/5 एमआर स्क्वायर, और ये तो टेंजेंट है, तो मतलब पैरेलल एक्सिस सिर्फ यूज करना पड़ेगा, तो 2/5 प्लस 1 मतलब 7/5 एमआर स्क्वायर आएगा, पड़ेगा आपको 7/5 एमआर स्क्वायर। अब इसका मास कितना है एम, एंड इसका रेडियस कितना है आर स्क्वायर, समझ आया आपको? आपके लिए m r square by 5 common out कर लिया, और यहाँ से आ रहा है आपके पास 2 2s of 2 4 8 8 64 minus 7 आ रहा है, ये आ रहा है 57 m r square by 5, ठीक है, आपने यही बोला था क्या बेटा? हाँ सर मैं यही बोला था। ठीक, अब दूसरा वाला करते हैं, दूसरे वाले को करोगे तो क्या आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या cd के अबाउट जब निकालोगे तो? नहीं सर, वो तो सेंटर से ही पास कर जाएगा, वो तो ऑलरेडी सेंटर से पास कर रहा है, तो उसमें आपको सब्सट्रैक्ट जो करने वाला क्वांटिटी है वो तो आपका 7/5 नहीं 2/5 में मास कर जाएगा। हां सर वही गलत हो गया, गलत हो गया आपका। तो सेकंड पार्ट के लिए आपका जब लिखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीडी अगर लिखें तो पूरे स्फीयर के लिए लिखें, एंड दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट सीडी एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 2 अबाउट सीडी। अगेन पार्ट वन आपको चाहिए, ये रिक्वायर्ड है आपका, ये तो आपका वही फिक्स फिक्स सेक्स वैल्यू 2/5 टाइम्स ऑफ 8m * 2r का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू मोंट फिनिशर जो रिक्वायर्ड है एंड प्लस ये वाला सिंपली आपकी 2/5 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर होगा। इस बार आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज नहीं करना है, तो इस बार मोंट फिनिशर आपका हो गया ये cd वाला, इसको नाम दे देते हैं, सो मोंट फिनिशर अबाउट cd दिस बिकम्स m square and this is equal to 64 minus 2 which is 62, so 62 m r square by 5, ye answer hai, theek hai, clear hai sab? Haan sir, haan sir, theek hai।
was number 5. Next episode. इक्विलैटरल नहीं मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल को यूनिफॉर्म प्लेट्स बना रखा है दिस इज अ यूनिफॉर्म प्लेट इसको कुछ नाम दे देते हैं ए स्क्रीन गायब हो गया स्क्रीन चला गया गायब हो गया ठीक है बेटा ऑन कर रहा हूं ऑन कर रहा हूं अभी दिख रहा है कंफर्म कर लेते हैं हां सर हां सर ठीक है देखो इधर अगर मान लो डेफिनेशन अबाउट ए मोमेंट डेफिनेशन अबाउट बीसी एंड मोमेंट डेफिनेशन अबाउट सीए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बताओ मतलब छोटा से बड़ा सर सबसे छोटा सी ए उसके बाद ए बी उसके बाद बी सी ठीक है क्योंकि आपको ये पता है कि जो ट्रायंगल के बेस के अबाउट जब हम मोमेंट डेफिनेशन निकालते हैं तो आपको क्या लिखना होता है मोमेंट डेफिनेशन में हम बेस के अबाउट करते हैं तो क्या लिखते थे याद है आपको m h स्क्वायर बाय 6 इसका मतलब क्या है डायरेक्ट फोर्स टू h स्क्वायर है राइट और हाइट अगर लिखोगे तो हाइट सबसे ज्यादा किसके अबाउट आएगा जिसका साइड लेंथ सबसे छोटा होगा bc के अबाउट bc के अबाउट और सबसे कम हाइट किसका आएगा जिसका साइड लेंथ सबसे बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल टर्म्स में ये सोचिए तो मोमेंट डेफिनेशन अबाउट ac ये आपका सबसे कम फिर आपका मोमेंट डेफिनेशन अबाउट ab एंड फिर आपका मोमेंट डेफिनेशन अबाउट bc ठीक है ये ऑर्डर हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो भी आप एनालिटिकली कर सकते थे एनालिटिकली कैसे करते जैसे आप सोचो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मासेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा आएगा होगा नहीं होगा हाँ सर हाँ सर तो इसमें सोच के देखो अगर मैं बेस के अबाउट देखूं मास तो टोटल मास तो देखो अनचेंज है टोटल मास तो चाहे किसी के अबाउट भी निकालो टोटल मास वही दिखेगा आपको एम ही दिखेगा बट बेस चेंज करने से क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू बेस वो चेंज हो रहा है ना है ही नहीं है हाँ सर तो अगर आप मासेस को एक्सिस से दूर लेके जाते हो तो ऑब्वियसली उस केस में आपका मास का डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो एमआर स्क्वायर बढ़ेगा तो ये तो एनालिटिकली दिख रहा है आपको कि यू नो बीसी के अबाउट मासेस जो है सबसे ज्यादा दूर है और एसी के अबाउट मासेस सबसे क्लोजेस्ट है दिख रहा है आपको हाँ सर ठीक है तो आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो भी आप एनालिटिकली इसको कर सकते थे आई होप आपको सबको समझ आ गया है यस हाँ सर मान लो एक ऐसा सिचुएशन है एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस द फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी rotational kinetic energy possessed by it is two by seven identify the type of object
ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन का मतलब पहले इंटरप्रेट करोगे क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है एंड डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये निकालनी है ना आपको, ठीक है, ये निकालना है। हाँ सर, दिया हुआ है। हाँ मतलब ये दिया हुआ है, यही तो मतलब आपको, आपको बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, देखो कितना है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान जाओगे तो फिर आपको अपने आप ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये रेशियो जब हम लिखेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको हम रोटेशनल काइनेटिक याद है आपको क्या लिखते थे, हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, याद है आपको। हां सर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसीआर इनटू ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, याद है। यस सर, यस सर। तो ये रेशियो का देखोगे तो क्या है, आई अबाउट सीओएम एंड डिवाइडेड बाय आई अबाउट सीओएम एंड प्लस एम इनटू आर स्क्वायर, ये आ रही है, देखो तो है ना, पैरेलैक्सिस थ्योरम। हां सर। अब अगर नोटिस करोगे तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन है और यही रेशियो दे रखा है, तो इसको यूज करो, 2/7 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीओएम डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीओएम प्लस एम इनटू आर स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन से देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीओएम जो आ रही है, दिस कमिंग आउट टू बी 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर, देखो तो आ रही है क्या, सॉलिड स्फीयर होगा। हां समझ आया आप सबको। हां सर। और इस 2/5 एम आर स्क्वायर आने से समझ आइए सभी को। हाँ सर। अगर यही आपको फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना होता तो क्या करते, उसको हाफ एम इनटू वीसीएम का स्क्वायर लिखते, याद है आपको। हाँ सर। हाँ सर। अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर करते हैं, ये तो सबको करके निकाल देता हूँ। अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती तो ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाई टोटल, अगर ये लिख रहे होते तो आप लिखते हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ आई अबाउट सी आर आई सॉरी आई अबाउट आई सी आर एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड फिर से ये आता वी की वैल्यू को ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आता एम आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी वन एंड प्लस एम आर स्क्वायर, आता ही नहीं आता, आता। हाँ सर। और इसी से फिर से कैलकुलेशन करके देख लेते कि वैल्यू कौन सी आ रही है, एंड जो वैल्यू आती है वही आंसर हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक और छोटी सी चीज है, रेडियस ऑफ बैरियर, अच्छा नहीं एक और चीज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और याद आया, ये 7 था ना, नंबर 8 करते हैं। मान लो इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे असेंबली को हम घुमा रहे हैं, ठीक है, ये सब आपस में मान लो चिपके हुए आइडेंटिकल सॉलिड्स हैं, आइडेंटिकल सॉलिड्स हैं, मास एम रेडियस आर ईच, रोटेशन निकालनी है, बताओ एक्सिस और रोटेशन हमेशा कितनी आएगी, देखो कितनी आ रही है, सर 16/5 एम आर स्क्वायर। कैलकुलेशन में क्या क्या बताओ बेटा? सर वो एक तो स्क्वायर तो उसके सेंटर से ही पास कर रहा है तो वो उसका नॉर्मल 2/5 हो गया और बाकी दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा एक के लिए जिस सेंटर से पास कर रहा है और बाकी दोनों के लिए तो टेंजेंट वाला एक्सिस मतलब 7/5 एम आर स्क्वायर है ना। हां सर। 2/5 + 1 तो ऐसे तो आपके पास दो है तो इनटू 2 कर लेंगे तो यही आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 7 × 14 + 2 = 16, सो 16 mR/5 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन एक टर्म है उसको सीखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन GYRATION
इसको एक्सटेंडेड के सिंबल से इंडिकेट करते हैं, सारे बुक्स में के सिंबल ही आपको दिखेगा इसके लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है पहले उसकी बात करते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मतलब हर तरह का ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन आपसे पूछ सकते हैं, स्फीयर हो, रॉड हो, कॉम्बिनेशन हो, सारे तरह के ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन आपसे पूछ सकते हैं। अब रेडियस ऑफ गायरेशन जब आप निकालोगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, मैं एक आर्बिट्री शेप का ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट के लिए मान लो कि आपको ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, मतलब इसके अबाउट जब आप घुमा रहे हो उसको, सो यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इसको मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है, ये नोन है, इसका मास भी नोन है, ठीक है, इसका मास हम मान लेते हैं, इस मास को मैंने एम मान रखा है, ठीक है। अब अगर सपोजली मैं बोलूं कि इसी एक्सिस के अबाउट अगर एक पॉइंट मास आप लेते, सेम एक्सिस के अबाउट अगर आप एक पॉइंट मास लेते और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको सेम रखना होता तो कितने डिस्टेंस पे रखते सच कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का आया है उतना ही उस पॉइंट मास का है, तो वो डिस्टेंस को ही हम इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसको मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पे रखा है यहाँ पे और एग्जैक्टली उतना ही मास जितना मास का वो ऑब्जेक्ट था हमारे लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखते आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो कितनी लिखते आप, एम इंटू के स्क्वायर लिखते या नहीं लिखते, क्योंकि वो पॉइंट मास है, लिखते हाँ सर। तो देखो के का वैल्यू मिल गया आपको, तो के निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एंड उसके बाद फिर क्या करो, एम से डिवाइड कर दो। समझ आइए, सिग्निफिकेंस समझ आई आपको? यस सर। मैं एक बार भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉर अ गिवन मास सिस्टम, मास सिस्टम इट रिप्रेजेंट्स दैट डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस एट विच a point mass equal to the entire mass of system, entire mass of the system for a given mass system, it represents that distance at which the a point mass equal to the entire mass of the system needs to be placed the moment of inertia, MOI, of the point mass equals the MOI of given object. समझ आई आप सभी को? Yes, sir. ठीक है, जैसे अगर इमेजिन करो एक छोटा सा एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। ये मान लो चार आइडेंटिकल रॉड्स हैं, चारों की मास एम और लेंथ एल ये दी हुई है, ठीक है, और आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है के अबाउट वन ऑफ द रॉड्स, अबाउट वन ऑफ द रॉड्स कितना है, सर
m अंडर रूट 7 बाय 12 m कहां से आएगा इधर l l l रूट अंडर 7 बाय 12 7 बाय 12 2 बाय 3 प्लस 1 नहीं 5 आना चाहिए न्यूमरेटर में हां सर सॉरी सॉरी 5 2 को दो बार लिख दिया हां सर ठीक है फिर ठीक है अगर आप देखोगे जैसे इसी को मान लेते हैं ये वाला रॉड को जिसके थ्रू मैं ब्लू एक्सेस देखो पास करा रहा हूं इसके अबाउट मुझे सपोजली ये कैलकुलेट करना है तो जिस रॉड को आपने इसके थ्रू पास करा रखा है उसका तो मोमेंट डिफरेंशियल जीरो आएगा आएगा ना आएगा आएगा सर हां सर तो जीरो प्लस बाकी दो रॉड हैं ऐसे जिसका ये एंड एक्सेस है और एंड एक्सेस के लिए कितने ml²/3 तो ml²/3 वाले दो रॉड आएंगे प्लस जो तीसरा रॉड बचा उसका सारा एलिमेंट देखो सेम डिस्टेंस पे है कितने डिस्टेंस पे l पे और सारे एलिमेंट अगर सेम डिस्टेंस पे है तो सिंपली क्या करेंगे m into l square कर लेंगे समझ आया सबको हां सर हां सर और ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए देखो यहां पे 3 plus 2 5 हो गया सो 5 m l square by 3 हो गया एंड बाय डेफिनेशन इसको टोटल मास ऑफ सिस्टम into k square होना चाहिए टोटल मास कितनी है 4m एंड into k square कर लिया m यहां से कैंसिल आउट हो गया एंड आपको यहां से वैल्यू मिल गई सो k इज कमिंग आउट टू बी 5 by 4 to the 12 and iska root into l samajh aayi samajh aayi sabhi ko haan sir haan sir ek cheez ka just dhyan rakhna isme ek common mistake hota hai ki mass total lena bhul jate hain aap theek hai ye dhyan rakhna haan sir point. point mass ऐसे यहां पे एक पॉइंट मास इक्वल टू एंटायर मास ऑफ द सिस्टम किसी ने छोड़ दिया था क्या कैलकुलेशन के वक्त किसी ने छोड़ा था क्या अभी कैलकुलेशन के वक्त ये हां सर मैंने 3m ले लिया था ओके 3m 3m क्यों लेने अच्छा आप कौन है बेटा एक बार नाम बताइए सर मैं नीलेंदु सर मैंने सोचा था कि वो तीन रॉड हैं इसलिए मैंने 3 वो बाकी का मास तो है ना उसका मोमेंट डेफिनेशन नहीं है बट मास तो है ना चलो ठीक है एक और ट्राई करो देखें ये हो गया आपका ये यूनिफॉर्म इसके फिक्स्ड एट एंड ऑफ रोड ठीक है फिक्स्ड मतलब स्क्रू से टाइट किया हुआ और इसकी मास और रेंज आपको m आर दी हुई है और ये रॉड के लिए यूनिफॉर्म रॉड उसने क्या रखा है दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड और इसके लिए m और लेंथ l दिया हुआ है ये 2m और l मान लेते हैं ठीक है ये दिया हुआ है और इसका k पूछा है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपको दिखना चाहिए ठीक है ऊपर में हिंज जहां लगा हुआ है बताओ क्या आएगा
क्या नहीं हुआ अभी तक सर? एल रूट अंडर 31/45 मुझे आंसर नहीं पता, बोलो क्या किया पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या लिखा है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है सर 2ml²/3 रॉड के लिए गुड, और स्फीयर के लिए 2ml²/5+ml² डिस्क है ये पहला चीज, स्फीयर कहाँ है? ओ सर डिस्क है, मैंने स्फीयर सोचा। इसको किससे इक्वेट करना होता है? टोटल मास कितना है सिस्टम का? कितना m तो आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये m बाहर निकल जाएगा तो आएगा ये आपके पास, 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर n प्लस 6 बाहर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन से बोल दिया 6 बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा ये 2^4 और फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 3r² n प्लस ये हो जाएगा आपके पास 6l² ये m m कट गया और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है पास 1/18 इनटू ये हो गया आपके पास 10l² प्लस 3r² एंड इस पूरे क्वांटिटी का रूट आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? इसी में देखो एक अच्छा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सपोजिडली इसमें ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में कि जो यूनिफॉर्म डिस्क है उसको हमने वहां पे स्क्रू जहां लगाया है ना, डिस्क का जहां पे एक एंड पे स्क्रू लगाया है, मतलब जो रॉड से जहां कनेक्शन है वहां स्क्रू लगा के तो रोका होगा ना उसको, है ना? हाँ सर। वो स्क्रू को सपोजिटली मैंने ढीला छोड़ रखा है, एक है कि टाइट कर दिया और एक है कि ढीला छोड़ दिया, इन दोनों से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। कैसे? से डिस्क तो मतलब नीचे घिस के आ जाएगा ना, घिस के नीचे आएगा मतलब घिस का मतलब डिस्क क्या घूमने लगेगा? घूमने लगेगा, घूमने घूमेगा कैसे? वो डिस्क अभी तो घूमेगा, जब मैंने इसको बांध रखा है तब घूमेगा नहीं क्या? मैं आपको देखो मेजोरिटी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, कोई कोई गलत नहीं। ये देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट मेरा फोन ही है, ठीक है, इस फोन को सोचो मैंने ऐसे ऐसे देखो अभी इसको टाइटली क्लैंप कर रखा है, ठीक है, टाइटली क्लैंप कर रखा है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो देखो इसमें इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, नहीं देखो एक अशोक स्तंभ दिख रहा है तुम्हें, एम्बलम दिख रहा है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? थोड़ा हाँ सर। अब दूसरा सिचुएशन देखो, मैंने बस इसको क्या किया है, मैं इसको ढीला छोड़ रहा हूँ, बस इसको होल्ड किया है बट इसको फ्री टू रोटेट छोड़ रहा हूँ, अब देखो सर वर्टिकली है, हाँ मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब हम इसको यहाँ पे ये ढीला छोड़ दिया है, खाली इसको क्लैंप किया है बट इसको रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ दिया यहाँ से, समझ आ रही है? ऐसे ये फ्री छोड़ दिया है, तो इस केस में इसको जब मैं इधर से इधर मूव करा रहा हूँ तो देखो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। क्या ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है? हाँ सर। तो प्योर ट्रांसलेशन का डेफिनेशन याद है ना, कि जब सारे एलिमेंट्स का वेलोसिटी सेम रहता है, याद है आपको? हाँ सर। तो इस केस में इवन दो आपने इसको कहीं ना कहीं तो ऐसे हिंज लगा रखा है ना, चाहिए ये मेरा हिंज है, सोचो हिंज है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे यहाँ पे भी छोड़ रखा है, तो इस केस में जब हम इसको ऐसे घुमा रहे, देखो ये देखो कैसे चल रहा है, दिख रहा है आपको? स्लिप कर रहा है मेरे हाथ से, ये देखो, तो इसको अगर फ्री छोड़ रखा है सर, वीडियो फ्रीज हो गया,
आप सबको समझ आई मैंने क्या समझाया है? सर वीडियो फ्रीज हो गया था। सर वीडियो फ्रीज हो गया था। सर वीडियो फ्रीज हो गया था बट अच्छा ठीक है मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूं। देखो ये चेक करो, इमेजिन करो कि यहाँ पे ना मेरे रिस्ट पे जो है, रिस्ट पे सोचना कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? वो हिंज मतलब रॉड का जो ऊपर में हिंज लगा होता है वो ये वाला सोचना, मेरा ये वाला है, ठीक है? तो एक केस में मैंने क्या कर रखा है, इसको टाइटली होल्ड कर रखा है, टाइटली होल्ड कर रखा है मतलब इसको इसको यहाँ पे ऐसे घूमने नहीं दूंगा, आई वोंट अलाउ इट टू रोटेट हो गया, मतलब स्क्रू टाइट कर रखा है। तो अब अगर मैं अपना हाथ को ऐसे घुमाऊंगा तो ये देखो क्या इस फोन का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हाँ देखो तुम मतलब लोगो जो है उसको उसको नोटिस करो, तुमको समझ में आएगा। लोगो को नोटिस करो, देख रही है सभी को? हाँ सर। अब सेकंड केस हम क्या कर रहे हैं, इसको मैंने जस्ट यहाँ पे क्लैंप कर रखा है बट इसको घूमने के लिए फ्री छोड़ दिया है, ठीक है? अब देखो जब मैं अपना रिस्ट को घुमा रहा हूँ, देखो फोन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे तो जा रहा है बट उसका अशोक स्तंभ का देखो जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली है, दिख रही है? है सर। हाँ हाँ सर। इसका मतलब इस केस में ये पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है ना? हाँ सर। प्योर ट्रांसलेशन है। तो इस बार जब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते तो जो हम पहले एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर लिख रहे थे वो एम आर स्क्वायर मतलब सॉरी एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर लिख रहे थे, वो एम आर स्क्वायर बाई टू लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पूरा का पूरा सिंपली वो एक्सिस जहाँ पे है मतलब जहाँ पे हिंज है, जहाँ पे आपने वो स्क्रू लगा रखा है वहां पे मास सारा कंसंट्रेट कर लो क्योंकि सारा तो एक ही मास से ट्रांसलेट कर रहा है। आपको समझ आ रही है? Yes. Have you all got? इसको जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अब ध्यान रखिएगा इसको। एड द डिस्क बीम फ्री टू रोटेट अबाउट द पॉइंट वेयर इट वाज टाइड tied to the rod, then it would have behaved as a point mass. और इसका significance मैं आपको जैसे यहाँ पे एक diagram draw करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है? बाद के लिए जैसे ये हमारा rod था और ये हमारा वो disc था, इस डिस्क में हम क्या करते हैं एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, इसको ए बी कह लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को ए कह लेते हैं और इस पॉइंट को बी कह लेते हैं और ये दिखाते हैं कि इसको हम घुमा रहे हैं। तो इसको मान लो अगर रॉड को मैं घुमा दूं और इस ओरिएंटेशन पे भी लेके आ जाए, देखो इसको इस ओरिएंटेशन पे भी लेके आ गया, तो इस तो ऑब्वियसली ट्रांसलेट कर जाएगा यहां से, ये डिस्क ट्रांसलेट कर गया बट इसका जो ए बी लाइन होगा वो इसी ओरिएंटेशन में रहेगा। ये समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है तो ये देखो इस केस में ऑब्वियसली ये भी एक सर्कुलर पाथ में फॉलो किया होगा, ऐसे ही जाएगा, ट्रांसलेशन सिंपली हुई है। समझ आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बट ये पिछला वाला जो केस था उसमें जब करते तो क्या दिखता, अगर आपको यही वाला लाइन अगर ए बी मैं इसमें ड्रॉ करके दिखाऊं, ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें सोचो ये लाइन अगर मार्क करें, इसमें ये टाइड है, ठीक है? ध्यान रखना ये घूम नहीं सकता, मतलब अपने जहां पे बांधा है उसके उसके अबाउट घूम नहीं सकता है। तो ये रॉड का ओरिएंटेशन को जब हम चेंज करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे, तो इस केस में आपका
ये भी यहाँ था, बट लाइन ए बी का ओरिएंटेशन इस रॉड के लेंथ के रिस्पेक्ट में ऐसा ही रहता है। डिफरेंस समझ आ रही है आपको दोनों डायग्राम में? यस सर। हाँ सर, ठीक है ना। तो इस केस में इसको पॉइंट मास की तरह बिहेव करवाते हैं आपको। सेकंड वाले केस में पॉइंट मास, बट फर्स्ट वाले केस में क्या है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डिस्क का लेना पड़ता। यस सर, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना होता तो आप लिखते हैं रॉड का व्हिच इज 2m into l स्क्वायर बाय 3, एंड डिस्क का जब आप लिखते तो सिंपली m into l स्क्वायर लिखते। दिस इज फॉर डिस्क, बिहेव्स एज पॉइंट मास। सिंस द डिस्क इज इन प्योर ट्रांसलेशन, दिस इज इन प्योर ट्रांसलेशन। आई होप सबको समझ आ गई है। हाँ सर, ठीक है बेटा।